जिस सीट को 2019 में 181 वोटों से जीती थी बीजेपी, उस सीट को सपा ने वापस छीना। कम उम्र की युवा सांसद बन गई प्रिया सरोज, बीजेपी प्रत्याशी को चटाई धूल। मोदी के संसदीय क्षेत्र से सटा है मछली शहर, इतना बुरा हाल होगा किसी ने नहीं सोचा था। यूपी की एक लोकसभा सीट जो मछली शहर के नाम से जानी जाती है, ये लोकसभा सीट वाराणसी से सटी हुई है। वही वाराणसी जो पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है। इस सीट पर पिछली बार यानी 2019 में बीजेपी का कब्जा था, लेकिन अब समाजवादी पार्टी ने खूंटा गाड़ दिया। वैसे तो यूपी में अखिलेश यादव ने कमाल ही कर दिया, लेकिन इस कमाल के पीछे की असली वजह क्या है वो भी हम इस रिपोर्ट में बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट की बात करेंगे जिसमें मछली शहर है। आखिरकार मछली शहर सीट की क्यों चर्चा हो रही, ये अपने आप में बेहद खास है। पूरी रिपोर्ट समझने के लिए आपको 2019 के चुनाव से होकर गुजरना होगा। यानी हम आपको 2019 के चुनाव के नतीजे बताएंगे जब इस सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। आखिरकार वो जीत कितनी आसान थी, या फिर कहें तो रास्ता कितना मुश्किल था, ये सारी बातें अब धीरे धीरे सामने आने लगी जब दोबारा से इस सीट पर सपा ने कब्जा किया। पिछले लोकसभा चुनाव में यह सीट देश में सबसे कम अंतर से बीजेपी ने जीती थी। यहां बीजेपी के बीपी सरोज ने सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी टी राम को केवल 181 वोटों से हराया था। तब पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी जिले की पिंडरा सीट पर मिली बड़ी लीड के कारण ही बीजेपी ये सीट जीत पाई थी। लेकिन इस बार यानी 2024 के चुनाव में नतीजों में मामला उल्टा पुल्टा हो गया, क्योंकि इस चुनाव में बीजेपी ने इस सीट को गवा दिया। मछली शहर सीट की सियासी हवा हमेशा से तीखी रही, इसके बनने से लेकर अब तक कई बार उतार चढ़ाव देखने को मिले। 1962 में मछली शहर पहली बार लोकसभा की सीट बनी। जौनपुर के मछली शहर, मडियाहू, जाफराबाद, केराकत और वाराणसी की पिंडरा विधानसभा को मिलाकर इस लोकसभा का गठन किया गया। मछली शहर और केराकत विधानसभा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। 1962 में यहाँ के पहले चुनाव में कांग्रेस के गणपत ने जनसंघ के महादेव को हराया था। भारतीय लोकदल के राजकेशर सिंह ने 1977 में कांग्रेस के विजय रथ को रोका और नागेश्वर द्विवेदी को पराजित किया। इससे पहले यहाँ एक दशक से कांग्रेस जीतती रही। 1984 में आखिरी बार कांग्रेस से श्रीपति के सांसद चुने गए, उन्होंने लोकदल के शिव शरण को हराया था। उसके बाद इस सीट पर कांग्रेस की अब तक वापसी नहीं हुई। जब देश में राम मंदिर मुद्दा अपने चरम पर था तो यहां बीजेपी हार गई थी। 1989 के चुनाव में जनता दल के शिवशरण वर्मा ने कांग्रेस के श्रीपति मिश्रा को हराया था। वहीं 1991 में शिवशरण ने बीजेपी के राजकेशर सिंह को हराया। 1996 में बीजेपी के रामविलास वेदांती यहां से जीतकर सांसद बने। 1998 में बीजेपी के स्वामी चिन्मानंद ने सपा के हरवंश सिंह को मात दी। बसपा ने 2004 में उमाकांत यादव को टिकट दिया और उन्होंने सपा के सीएम सिंह को हराकर खाता इस सीट पर पार्टी का खोला। 2009 में सीट सुरक्षित होने के बाद सपा के तूफानी सरोज ने बसपा के कमलाकांत गौतम को परास्त कर दिया। 2014 में मोदी लहर में बीजेपी से रामचरित निषाद ने बसपा की बीपी सरोज को हराया। 2019 के चुनाव में बीजेपी के रामचरित निषाद सपा में चले गए और बसपा के बीपी सरोज बीजेपी में आकर सांसद बने। यानी सीट पर घमासान चलता रहा। की बार सपा की नई सांसद प्रिया सरोज हैं। प्रिया सरोज युवा सांसद हैं जिन्हें मछली शहर की कमान मिली है।